दोस्तों आज की डेट में पेरेंट्स बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि आज के बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए अच्छे अच्छे माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं। बच्चों की जरूरतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिला के पढ़ाना भी आज के पेरेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। दुनिया में ज्यादातर लोग पेरेंट्स 25 से 30 साल के बाद ही बनते हैं, क्योंकि उस उम्र में वो अपना काम धंधा ढूंढ कर सेट कर चुके होते हैं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काबिल भी बन चुके होते हैं। लेकिन क्या हो अगर पेरेंट्स खुद ही एक बच्चा हो जिसका दिमाग भी मैच्योर ना हुआ हो? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इस दुनिया में ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनके खुद के बच्चे हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे कम उम्र के माँ बाप दिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। लीना मेडिना। लीना दुनिया की सबसे कम उम्र की माँ है जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म दिया। मेडिकल साइंस को इस बात पर बहुत बड़ा झटका लगा और बायोलॉजिकली भी ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि लड़कियों की प्यूबर्टी की उम्र 8 से 13 साल की उम्र में कभी भी शुरू होती है। लेकिन लीना ने 5 साल की उम्र में बच्चे को जन्म कैसे दिया, ये बात सबको चौंकाने वाली थी। मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद ये बात सच निकली और लीना को दुनिया की सबसे कम उम्र की माँ घोषित कर दिया गया। शुरू में लीना के पेट को फूलता हुआ देखकर उसके माँ बाप काफी हैरान हो गए थे और उन्हें लगा कि लीना के पेट में ट्यूमर हो गया है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि लीना 7 महीने से प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की इस बात को सुनके मानो लीना के माँ बाप के पैरों तले जमीन ही खिसक सी गई थी। उसके बाद लीना ने अपने घर लीमा पेरू में एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम गिराडो रखा गया। हालांकि ये आज भी पता नहीं चल सका कि गिराडो यानी उसके बच्चे का बाप कौन था, और बच्चा 10 साल तक यही समझता रहा कि लीना उसकी बड़ी बहन है और लीना के माँ बाप ही उसके माँ बाप हैं। 10 साल के बाद उसे सच का पता चला। बाद में लीना की शादी 33 साल की उम्र में हुई और आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। शेरी जॉनसन। शेरी 10 साल की थी जब उसने अपने माँ बाप को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसको प्रेग्नेंट चर्च के एक बुजुर्ग इंसान ने किया था और जब सबको इस बात का पता चला तो उस बुजुर्ग इंसान को काफी लोगों की नफरत और गुस्से का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे ये बात एक क्राइम में बदलने लगी। शेरी जॉनसन की माँ इस बात से बहुत डर गई और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने शेरी की उस आदमी से शादी करवा दी। शादी के लिए शेरी की माँ ने एक जज की मदद ली जिसने शेरी की शादी उस आदमी के साथ लीगली फिक्स करवा दी। शेरी 10 साल की थी जब उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और 11 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। शादी के बाद शेरी ने कुल 9 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शादी सफल नहीं रही क्योंकि शेरी ने उस आदमी को डिवोर्स दे दिया था। टायलर बार्कर। पूरी दुनिया को झटका तब लगा जब सबको पता चला कि एल्फी पैटर्न नाम के एक 12 साल के बच्चे ने चैंटल स्टीडमैन नाम की एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और एक बच्ची का बाप भी बन चुका है। चैंटल स्टीडमैन सिर्फ 13 साल की थी और बच्ची का नाम मेसी रॉक्सेन रखा गया। सबको लग रहा था कि एल्फी बच्ची का असली बाप है, लेकिन तभी सबको चौंकाने वाली बात सामने आई और बात ये थी कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार एल्फी पैटर्न उस बच्ची का असली बाप नहीं है। इस बात पर कई सवाल खड़े हुए क्योंकि सबको जानना था कि अगर एल्फी पैटर्न इस बच्ची का बाप नहीं है तो इस बच्ची का बाप आखिर है कौन। एल्फी ने बताया कि चैंटल सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने अब तक चैंटल को हाथ तक नहीं लगाया है। इसके बाद चैंटल के सारे करीबी लड़के दोस्तों का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसके बाद टायलर बार्कर नाम के एक 15 साल के लड़के को उस बच्ची का पिता पाया गया। टायलर को खुद याद नहीं था कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन फिर कुछ समय बाद टायलर को सब कुछ याद आ गया और उसने खुलासा करते हुए कहा कि ये सब तब हुआ जब एक रात वो नशे में था और चैंटल भी उसके साथ थी। इस मिस्टेक को टायलर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बताया और उसने सबसे माफी भी मांगी। शॉन स्टीवर्ट। शॉन सिर्फ 15 साल का था जब उसने अपनी 15 साल की पड़ोसी एमा वेबस्टार को प्रेग्नेंट कर दिया। शॉन और एमा काफी सालों से रिलेशनशिप में थे और इस रिलेशनशिप के दौरान एमा कब प्रेग्नेंट हो गई ये इन्हें पता भी नहीं चला। शुरू में एमा को पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसका पेट फूलना शुरू हुआ तो उसे लगा कि शायद ये कोई पेट की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसके परिवार वाले इस बात पर काफी हैरान थे। आखिरकार 9 महीने बाद एमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब एमा मां बनी तब
वक्त शॉन स्कूल में था और स्कूल में जब उसे इस बात का पता चला तब उसने स्कूल बंक कर दिया और अपने बच्चे से मिलने चला आया और फिर वहाँ उसने सबके सामने उस बच्चे को अपना बताया। लेकिन 15 साल की एमा के लिए एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल भरा था और एमा के पेरेंट्स ने भी उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। बाद में एमा ने एक नए लड़के से शादी कर ली और शॉन कहीं दूर रहने लगा और अपने बच्चे से कभी मिलने भी नहीं आता था और फिर लॉस को तोड़ने के लिए शॉन को 7 महीनों की जेल भी हुई। टेरेसा मिडलटन। टेरेसा सिर्फ 9 साल की थी जब उसने शराब पीना और जुआ खेलना शुरू किया था। टेरेसा अपने से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती थी जिसका नतीजा ये हुआ कि टेरेसा सिर्फ 11 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और उसे प्रेग्नेंट भी किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने खुद के भाई जेसन ने किया था। इस बात का जब सबको पता चला तो सब बड़े हैरान थे और जेसन को 4 साल के लिए जेल भी हो गई। जब 12 साल की उम्र में टेरेसा ने बच्चे को जन्म दिया तब तक ये बात इतनी फैल चुकी थी कि सोसाइटी और माँ बाप के दबाव में आकर टेरेसा ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में अडॉप्शन के लिए दे दिया। फाइनली इस केस के बाद टेरेसा ने ड्रग्स और शराब लेना छोड़ दिया और उसकी शादी भी हो गई, जिसके बाद उसका एक बच्चा भी हुआ और अब टेरेसा एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों ये थे वो दुनिया के 5 सबसे कम उम्र के माँ बाप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।